फग्गत सिंह प्रभारी कृषि रक्षा इकाई कैसरगंज की अगुवाई में विकासखंड स्तरीय कृषि निवेश मेला गोष्ठी एवं सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। कृषि रक्षा इकाई परिसर में फग्गत सिंह प्रभारी की अगुवाई में कृषि सूचना तंत्र विकासखंड स्तरीय कृषि निवेश मेला गोष्ठी एवं सेवा परिसवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रण विजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी बहराइच के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह तथा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात आए हुए सभी किसानों को खेती के माध्यम से दोगुनी आय बढ़ाने के बारे में लोगों को बताया। इस मौके पर पंकज सिंह प्रभारी कृषि रक्षा इकाई कैसरगंज डॉक्टर शिशिर वर्मा, एसडीओ कैसरगंज अरविंद, भाजपा अध्यक्ष शिव सहाय सिंह सहित कई लोगों की उपस्थिति में कृषि निवेश मेले का आयोजन हुआ। डॉक्टर शिशिर कुमार वर्मा, संभागीय प्रसार अधिकारी कैसरगंज। आज जो है कृषि बीज भंडार पे कार्यक्रम किया गया है, इसके क्या उद्देश्य है? ये देखिए, हमारे हर ब्लॉक पे स्टेट गवर्नमेंट का कृषि सूचना तंत्र के तहत ये जो भी हमारे निवेश कौन कौन सी योजनाएँ हैं, इसके तहत हम अपने ब्लॉक पे जितने भी किसान आते हैं प्रगतिशील किसान, उनको इस गोष्ठी के माध्यम से उनको जन पहुँचाते हैं। इसमें स्पेशली हमने आज हमने दो तीन व्यक्तियों को भी सहभागिता दिया। इसका फ़ायदा ये है कि हर किसान हमारा ब्लॉक स्तर पर नहीं आता, लेकिन हमारा ये है कि ये तीन व्यक्तियों के हमारे यहाँ पर ये सहभागी बन गए, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, वो अपने 300-400 किसानों तक हमारी योजनाओं को पहुँच कर देगा। पिछली बार भी हम लोगों ने गोष्ठी की थी एक दो महीने, लेकिन अब की बार हमारे तीनों एफपीओ ने एक हमारे केले के फाइबर पर भी हम प्रजातीय की उनकी प्रतिनिधि बैठी हैं, वो जाने के मूड में हैं। अपने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये हमारे एक मॉडल अभी इन्होंने स्थापित किया है अपने गांव में, उसमें हमारे ऑयल का, हमारे आटे का, और इन्होंने प्राकृतिक खेती भी स्टार्ट की। इसमें आगे हम लोग ये है कि जो हमारे उपाध्यक्ष जी हैं उनके यहाँ भी हम लोग प्राकृतिक खेती का क्लस्टर दिया, इसमें एक एफपीओ है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लास्ट लोगों तक पहुँच सकते हैं। इस पर आप लोगों का प्रोसेसिंग यूनिट कैसे डेवलप किया जाए, मार्केटिंग कैसे किया जाए, और अभी पिछले मंथ जुलाई में 10 किसान एफपीओ ने मिलकर एक किसान उत्पादक एफपीओ किसान नेचुरल के नाम से एक ब्रांड किया, जिसमें माननीय सांसद जी ने उसका इनॉग्रेशन किया। अभी लेटेस्ट में सारे एफपीओ उसके अंदर आना चाहते हैं ब्रांडिंग करके, क्योंकि ब्रांडिंग किसी चीज़ का ब्रांड करना बहुत डिफिकल्ट है। तब कई एफपीओ के साथ बैठक हुआ, जिसमें 10 एफपीओ हैं, आने वाले दिनों में और हमारी उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो एक एफपीओ किसान नेचुरल के नाम से हम लोगों ने ब्रांडिंग किया है। अब इस मंथ में हमारा वो ब्रांड आ जाए तो सारे एफपीओ उसके उत्पाद एक दूसरे के उत्पाद रखेंगे और अपने लोगों के बीच में प्रचारित भी करेंगे और लोगों तक अपने पहुँचाएंगे। मेरा नाम विजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता पार्टी बहराइच। आज जो है आप कृषि बीज भंडार के परिसर में मौजूद हैं, इसका उद्देश्य क्या है आपका? आज यहाँ पर हमारे कृषि विभाग के द्वारा कृषक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया था। हमारा सौभाग्य है कि हम मुझे भी जो है उसमें सचिव के तौर पर शामिल होने का अवसर मिला, और यहाँ पर हमारे उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी जी, हमारे डॉक्टर वैज्ञानिक, तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे किसान भाइयों को तमाम सारी ट्रेनिंग दी, उनको बताया, और एफपीओ हमारे कृषक उत्पादक संगठन जो कृषि विभाग के द्वारा बने, उनके प्रतिनिधियों को यहाँ बुला करके वो कौन सा काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले करके उनको और अच्छे से काम करने का, और दूसरे लोगों को कैसे प्रेरणा मिले कि वो भी अपने गांव में ऐसे संगठन बना करके कृषकों का और लोगों को जागरूक करें, सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे नाते। और ये कोई नया नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सद्भय योगी जी की सरकार जब से आई है उत्तर प्रदेश में, तब से लगातार जिले स्तर से लेकर के और राज्य स्तर तक, न्याय पंचायत स्तर तक, हमारा कृषि विभाग लगातार कृषक गोष्ठी करके और किसानों को जागरूकता आने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहा है, जो वास्तव में बहुत ही कृषि विभाग धन्यवाद का पात्र है।